दुश्मन हमारी किसी भी बात का फायदा उठाना नहीं चाहिए। तो वो मैं हमेशा याद करता हूँ कि यार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक जब एयर स्ट्राइक हुई थी अपने, हमारे शायद अंबाला से जहाज उड़े, 2 बजे के आसपास उड़े, पाकिस्तान गए, बम फेंके, जो मारना था उनको मारे, 4 बजे वापस चुपचाप आगे सो गए, कानों कान दुनिया को कोई खबर नहीं ऐसा कुछ भी हुआ। 7 बजे के आसपास पाकिस्तान वालों ने ट्वीट किया कि भारत के फाइटर प्लेन हमारी सीमा का वॉयलेशन करके हमारे सीमा में अंदर घुसे और उन्होंने हमारे बालाकोट के अंदर आके क्या कर दी, एयर स्ट्राइक, उन्होंने हमारे यहां पर आके बम डाल दिए। पाकिस्तान को यह लगा कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो दुनिया की सहानुभूति आएगी और कहेंगे देखो भारत कितना खराब देश है जो किसी भी दूसरे देश की सीमा में घुस के बम डाल देता है, भारत आक्रमणकारी देश की भूमिका के अंदर आ जाएगा और पूरे देश जो है वो भारत पर प्रतिबंध लगा देंगे। पर भाई दुनिया ने पाकिस्तान के मजे ले लिए और दुनिया ने पाकिस्तान को कहा कि तुम्हारी सीमा के अंदर 200 किलोमीटर आके बम डाल के चले गए, तुम क्या कर रहे थे? तो पाकिस्तान वाले भोले हैं, बापरे, मेरे को यूं दया सी आती है उनके, है ना। उनका एक और ट्वीट आया हाथों हाथ और उन्होंने कहा कि रात का टाइम था इसलिए हमें फाइटर प्लेन दिखे नहीं। लोगों ने वापस कहा कि भाई साहब रडार होता है, रडार आंखों से नहीं देखना होता है, रडार कैच करता है कि फाइटर प्लेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ तुम्हारा रडार चाइनीज है खराब हो गया वो बात अलग है। हमने फिर भी कोई रिएक्शन नहीं, हमने कहा क्या कौन सी बात कर रहे हो, पता ही नहीं इस प्रकार की कोई बात, हमें तो पता भी। अपने जरूर 2-1 बजे के आसपास तब चुनाव होने वाले थे अपने लोकसभा के, भाई रैली कर रहा था चुरू में और जनता, अब सब लोगों को पता चल गया, अखबारों में, मीडिया, टीवी, सब जगह आ रहा है एयर स्ट्राइक, सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट दे। और चुरू में जनता बैठी है सामने, प्रधानमंत्री की रैली है तो खूब सारी जनता आई हुई है, जनता अंदर ही अंदर राजी है सब, प्रधानमंत्री अपना भाषण दे जा रहे हैं, मित्रों सबका साथ सबका विकास, मित्रों हमारी सरकार ने ये किया, मित्रों हमारी सरकार ने ये किया। फिर बीच में एक लाइन बोली, भाइयों और बहनों तुम खुश तो बहुत हो आज, ओ जनता ओ। तो पता चला वाले कांड तो करी आए अपने वाले। तो जब ये हुआ तो अब पाकिस्तान वाले बैकफुट पे, अब पाकिस्तान वाले क्या कहे, तो पाकिस्तान वालों ने बाद में स्टेटमेंट दिया, उनका हाँ इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने हमारा वॉयलेशन किया, बाउंड्री का वॉयलेशन किया, अंदर आए, बम डाल के गए पर मरा कोई नहीं, बम तो डाले थे लेकिन हमारा कोई भी मरा, मतलब ये हुआ कि हमारी एयरफोर्स गई 200 किलोमीटर अंदर गई, उसने बम भी फेंके पर सूतली बम थे ना, बीच में रह गए फटे और फेंके भी धीमे धीमे थे। उनका भाई सरकार तो कहती है करके आओ पर हम करना नहीं चाहते, कैच ले लो, धीरे से आ रहा है धीरे से, प्लीज साइड में रख दो ले जाके, कोई भी तुम्हारा मरना। पर भाई साहब उस एयर स्ट्राइक के बाद इमरान खान जो उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, उसकी पार्लियामेंट का भाषण सुनिए, उनकी पार्लियामेंट, इमरान खान खड़े होकर कह रहा है कि पाकिस्तान वालों भारत पता नहीं अपने आप को क्या तुर्रम खान समझता है और उसने हम पर हमला कर दिया, पर मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान जवाब देगा, पाकिस्तान चुप बैठने वाला, यदि भारत कोई भी एक्शन लेगा उसकी रिएक्शन होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया होनी आवश्यक है। और मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान वालों विश्वास रखिए, या हम बहादुर शाह जफर की तरह सरेंडर नहीं करें, हम टीपू सुल्तान की तरह लड़ते हुए मारे जाएंगे, मगर दोनों ही रास्तों में मरोगे तो तुम ही, भले बहादुर शाह जफर की तरह सरेंडर करो या टीपू सुल्तान की तरह लड़ते हुए मारे जाओ, हार तो तुम ही रहे हो भले कुछ ही मान लो। फिर इमरान खान उसे वापस कहता आगे, इमरान खान कहता कि भारत को यह बात ध्यान रखनी चाहिए और दुनिया वालों तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास परमाणु है, और यदि भारत ने लड़ाई को आगे बढ़ाया और भारत ने, यदि भारत को इस बात का घमंड होगा कि भारत के पास परमाणु है, वो परमाणु का इस्तेमाल कर लेगा, तो मैं बताना चाहता हूं दुनिया वालों को हमारे पास भी परमाणु है और हम परमाणु का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम परमाणु का इस्तेमाल करेंगे तो भारत भी परमाणु का इस्तेमाल करेगा, इसलिए प्लीज दुनिया वालों बचा लो हमें। क्योंकि हम एक परमाणु फेंकेंगे भारत वाले 1/4 खत्म होंगे, 3/4 तो फिर भी बैठे रहेंगे, और यदि उन्होंने परमाणु फेंक दिया तो दुनिया के मैप से पाकिस्तान नाम की जगह ढूंढनी पड़ेगी कि यहां कोई था, क्योंकि इंडिया और इंडिया वालों का तुम फेंको, हमारे आबादी की कमी,
दिन दुने रात चोगने हैं भाई साहब, है ना। कोरोना ने हमें मात्र 2 साल दिए, हमने हमने चाइना को पीछे छोड़ा। आने का चाइना की थी औकात, हमसे आगे जाए ऐसा मिची मिची आंखों वाले लोगों, तुम हमसे आगे कैसे निकल सकते हो। हमें भाई साहब दुनिया में सबसे आगे हम रहेंगे, तो इसलिए हमने कहा ये तो हमारे लिए 2 साल की बात है। फेंको तुम परमाणु वरमाणु जो फेंकना फेंको। तो वो जब हुआ तो अपने नए नए कांग्रेस में गए नवजोत सिंह सिद्धू, और सिद्धू का एक बयान आया, सिद्धू क्रिकेट खिलाड़ी, इमरान खान उधर क्रिकेट खिलाड़ी, और सिद्धू का एक बयान आया कि भारत के सैनिक अंदर गए, वहां जाके उन्होंने फेंके बम, लेकिन पाकिस्तान वालों का एक कौवा मरा है। क्या मरा है? मेरी इमरान खान से बात हुई, इमरान खान मेरा दोस्त है, इमरान खान ने कहा हमारे कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा एक क्या मरा है यार, मत कहता हूं कौवा भी नहीं मरा। तुम अपने देश के खिलाफ ऐसा बयान कैसे दे सकते हो? और ये किसी देश का या पार्टी का अपमान थोड़ी है, ये सैनिकों का अपमान है। तुम सैनिकों का अपमान कैसे कर सकते हो ऐसे? तुम आपस की लड़ाई जो रही होगी पार्टियों में, बनती नहीं बनती सो है, तुम लड़ो, तुम्हारे जो सामने तुम्हारे नेता उनके खिलाफ लड़ो, हराओ, ढंग से हराओ, जिनके वोट मिलते हैं वोट लो, तुम अपने लोगों की ताकत से लड़ो, तुम बनो, तुम आओ, तुम अपनी नई नीतियां लेके आओ। लेकिन जब आप तीसरे देश का सामना कर रहे हैं तब उनके पक्ष में बैटिंग कैसे कर सकते हो? तो अगले पूरे दिन पाकिस्तान की न्यूज चैनल्स ने चलाया, पाकिस्तान को भारत कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, ऐसा भारत के एक सांसद का कहना है। पूरे दिन सिद्धू का बयान पाकिस्तान के न्यूज चैनल से भी चल रहा था, भारत ने कोई नुकसान नहीं किया, भारत की सेना कुछ भी नहीं कर पाई, भारत की सेना फिसड्डी है, देख लो वो केवल हमारे कौवा मार पाए थे, ऐसा भारत के लोग करें। भगवान के घर न्याय है जी, सब देखता है। 1989 में तब सिद्धू कहीं कार पार्किंग कर रहे थे एक जगह, उनके पास में एक दूसरे कोई बुजुर्ग सज्जन थे, वो अपनी कार पार्क कर रहे थे, टच हो गए। भारत में रोड रेज की लड़ाइयां खूब है, गाड़ी टच होते लड़ी लेते हैं, हम सारी लड़ लेते हैं, क्यों बिड़ा दी क्यों बिड़ा दी। सिद्धू नए नए क्रिकेटर थे, जोश था थोड़ा, नीचे उतरे, वो जो बुजुर्ग सज्जन थे वो नीचे उतरे, उन्होंने सिद्धू का क्या तरीका है, गाड़ी की लगा दी, स्क्रेच कर दिया मेरी गाड़ी। सिद्धू गुस्सा आया, यंग बंदा था, थप्पड़ मारा, उनकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। वो जो बंदा था उनकी उनको कोई मिर्गी विर्गी का दौरा था, उनकी ऑन द स्पॉट ही क्या हो गई डेथ। नॉन इंटेंशनल मर्डर, गैर इरादतन हत्या, मेरा इंटेंशन नहीं था मर्डर करने का, लेकिन मर्डर हो गया, सजा नहीं होती बड़ी कोई, मामला चलता है लास्ट में, सरकार वो कोर्ट जो होता है छोड़ देता है। भाई मैं मारना नहीं चाहता था, थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारना किसी को मारने का उद्देश्य तो नहीं, भाई मारने का उद्देश्य मैं गोली मार देता, मैं किसी भी तलवार से हमला करता, लठ मारता किसी को, सिर फोड़ देता, मैं मारना चाहता था, सोच के गया था, लेकिन गलती से मर गया। अब वो 1989 से केस चल रहा था, कब से चल रहा था, पेशियां पड़ती रहती है, केस चलता रहता, केस चलता रहता, तारीख जाओ तारीख जाओ, फिर एक दिन सरकार कह देती कि भाई ठीक इज्जत भरी है, इतना आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। 2020 में आके कोर्ट ने कहा कि 1 साल की सजा है। सिद्धू जी अंदर जाके 1989 के केस के अंदर, पहले टीवी में खोलते खोला कपिल शर्मा, चकदे फटते नपदे किल्ली, सुबह पटिंडा शाम नू दिल्ली, सिद्धू दूसरा कोई पार्टी का लगाया, बीजेपी कांग्रेस टाइप का कुछ लगाया, वहां सिद्धू जी, कोई दूसरा क्रिकेट की कमेंट्री लगाई, भारत पाकिस्तान का मैच लखनऊ की पिच पर खेला जाएगा, और पिच अनुपम खेर के सिर की तरह एकदम सपाट दिखाई दे रही है। आजकल कहीं भी दिख रहे हैं नहीं है, न्याय है, नीली छतरी वाला सब देख रहा है ऊपर बैठे बैठे, फालतू की पंचायती करनी